हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बायो सप्लीमेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4, और पिछले 3 लेक्चर्स हमने 11th स्टैंडर्ड बॉटनी एनसीईआरटी के टॉपिक्स के ऊपर जब डिस्कशन किया तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर सब 11th वालों के लिए, तो 12th वालों के लिए क्या? तो आज 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी यूनिट नंबर 7, लेसन नंबर 5, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ कंसेप्ट्स आपके सामने रखते हैं ये मॉड्यूल में। वेलकम टू द चैनल बायो सप्लीमेंट्स, नीट बायोलॉजी बाय अभिषेक अग्निहोत्री। तो मैं प्रोफेसर अभिषेक अग्निहोत्री वेलकम करता हूं आपका मेरे चैनल पे। और ये चैनल प्राइमरीली हमने तैयार किया है टू हेल्प एंड एनेबल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री जो नीट बायोलॉजी में एक्सेल करके अपने मेडिकल करियर को स्टार्ट करेंगे मेडिकल कॉलेज में। तो आइए आज का ये टॉक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है टिपिकल प्लांट सेल। अब सेल के बारे में जैसे बात हम शुरू करते हैं तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी भी प्रकार का सेल हो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस हमारे डेफिनेशन ऑफ सेल के बाहर हैं क्योंकि वायरसेस आर असेल्युलर फॉर्म्स, और ये वायरसेस जो हैं ना ये लिविंग में आते हैं ना ये नॉन लिविंग में आते हैं। अगर हम लोग प्लांट सेल के बारे में थोड़ी सी बात करें तो जैसे हम प्लांट सेल की बात करते हैं, हमारा रिसर्च इंटरेस्ट आपके ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द प्लांट सेल जो आपका न्यूक्लियस है उसकी तरफ जाता है। अब आज के लेक्चर में मकसद ये नहीं है कि प्लांट सेल क्या है, सेल ऑर्गेनल्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, एक्सेट्रा। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस के बारे में। वही अगर हम एनिमल सेल के बारे में देखते हैं तो यहां भी हमारे पास में कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल में, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल के पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। और ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब होगा हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। और जब हम हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स में ये न्यूक्लियर एनवलप को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये न्यूक्लियर एनवलप के पास में दो मेम्ब्रेन्स हैं, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और पॉइंट नंबर 2, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, उनके बीच में छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप के अंदर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म नजर आएगा। वो न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या एक से ज्यादा डार्क स्टेन्ड बॉडी न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे, और अंदर आपको थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स क्रोमैटिन नेटवर्क देखने को मिलेगा। अब ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है, ये न्यूक्लियोलस क्या है, उसका प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रोल है, राइबोसोम्स क्या हैं, वो सब कोई और मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का काम है, एम है, जेनेटिक मटेरियल क्या है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा साइटोलॉजी की हिस्ट्री का डेवलपमेंट देखेंगे, एंटन वॉन लेवेनहॉक ने जब पहली बार सेल का डिस्क्रिप्शन किया था तब से लेके रॉबर्ट ब्राउन ने जब पहली बार न्यूक्लियस की बात की थी,
और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और पावरफुल होते गए और लिटरेचर अक्यूमुलेट होता गया सेल के स्टडीज को लेके। मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में कुछ बात कर रखी थी जिसे साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थे, तो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक्स के बारे में आइडिया हमें था, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, इसके बारे में जानकारी हमें थी, लेकिन एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, कोई एंजाइम है या ऑल टुगेदर कोई नया कंपाउंड है, इसके बारे में काफी लंबे समय तक साइंटिफिक कम्युनिटी के पास में क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन एक दो तीन चीजें थी जो सब लोग एग्री करते थे कि अगर कोई आइडियल जेनेटिक मटेरियल है तो उसके पास ये कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। नंबर वन, वो प्रोटीन सिंथेसिस के मशीनरी को कंट्रोल करे। आपको पता है सेल को अपने प्रोटीन्स खुद तैयार करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आप लगा सकते हैं वो फ्लूइड मोजैक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन का, जो बात कर रहा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो पहला रिक्वायरमेंट किसी भी जेनेटिक मटेरियल के बारे में ये था कि इट शुड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग इन अ सेल। नंबर टू, वो अपनी कॉपीज बनाना चाहिए। बात कीजिए मेरे साथ माइटोसिस की, मियोसिस की, जहां एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स को तैयार करता है, माइटोसिस। और मदर सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल्स में। तो अगर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, तो इट वोंट बी अ सक्सेसफुल जेनेटिक मटेरियल। तीसरा, वो न्यूक्लियस में होना चाहिए। कारण ये न्यूक्लियस तुम्हारा कंट्रोल सेंटर है, यहीं पे अगर आपका जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो पॉइंट नंबर वन प्रोटीन सिंथेसिस, पॉइंट नंबर टू रेप्लिकेशन अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट शुड नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। इंग्लिश में जैसे कहते हैं, इन दिस वर्ल्ड देर इज नथिंग विच इज कॉन्स्टेंट बट अ चेंज। तो जब से लाइफ ओरिजिनेट हुई है अर्थ पे, तब से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे एटमॉस्फियर में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इंटरैक्शंस में। तो उस हिसाब से ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसे भी समय समय पे चेंज होना चाहिए। जब ये चेंज होगा तभी नए वेरिएशंस आएंगे, और आप लोग एग्री करोगे कि वेरिएशंस जो हैं आपके एवोल्यूशन के रॉ मटेरियल्स हैं। तो ईयर था 1928, साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वो काम कर रहे थे डिप्लोकोकस निमोनिए के साथ। अब ये डिप्लोकोकस निमोनिए के दो प्रकार, एक था स्मूथ स्ट्रेन और एक था रफ स्ट्रेन। तो आइए ये डायग्राम के मदद से जरा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। बात करेंगे ये स्मूथ स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिए की। आप देख सकते हैं इसके पास में एक येलोइश कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये उसका कैप्सूल है। ये कैप्सूल की वजह से उसका अपियरेंस स्मूथ है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में जो हमारा दूसरा स्ट्रेन है उसके पास में ये येलोइश कैप्सूल नहीं है, जिस वजह से उसका अपियरेंस जो है रफ है। तो चूहा लिया गया मुस्कुलस, और उसमें हमने, ग्रिफिथ ने, ये स्मूथ स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिए इंजेक्ट किया। थोड़ी देर में चूहे की डेथ हो गई निमोनिया की वजह से।
और हम लोगों ने जब चूहे को कट ओपन किया, उसके ब्लड का कल्चर किया लैब में, तो हमें ब्लड में डिप्लोकोकस निमोनिए के स्मूथ स्ट्रेन की कॉलोनी नजर आई। इस वजह से ये स्मूथ स्ट्रेन को हम पैथोजेनिक या वायरुलेंट स्ट्रेन कहते हैं। स्टेप नंबर टू, अब ग्रिफिथ ने आपके डिप्लोकोकस निमोनिए का रफ वाला स्ट्रेन लिया, नॉन कैप्सुलेटेड वाला स्ट्रेन लिया, चूहे में इंजेक्ट किया, चूहे को कुछ नहीं हुआ, वो हंसता खेलता भाग गया। इस वजह से ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि ये जो रफ स्ट्रेन है ये नॉन पैथोजेनिक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है। तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, ये कैप्सुलेटेड स्मूथ पैथोजेनिक स्ट्रेन लिया और उसे हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर द नीट एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, तो वो तुम्हारे लिए 11 कॉर्नेटो आइसक्रीम्स ले आते हैं कि रात को 11 o'clock को खाने के बाद वो तुम्हें ट्रीट देंगे। तुम अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और मम्मी जो है तुम्हारे रूम में गई कुछ लेने के लिए, आपके बिस्तर के गद्दे के नीचे एक आंसर पेपर मिला जिसमें बायोलॉजी में 360 में से 31 मार्क्स हैं। अब इनका दिमाग खराब, बच्चा इतना मेहनत करता है तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, यानी वो मेहनत नहीं कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, आपके 11 कॉर्नेटो आइसक्रीम्स लेते हैं और उसे गर्म कढ़ाई पे रख देते हैं, गर्म प्रेशर कुकर पे रख देते हैं 20 मिनट्स के लिए। अब 20 मिनट बाद क्या वो कॉर्नेटो आइसक्रीम कहलाने के लायक रहेगी? नहीं, क्योंकि हीट एक्शन की वजह से इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी, राइट? तो यहां पे भी कुछ ऐसे किया गया, टेस्ट ट्यूब लिया गया, वो टेस्ट ट्यूब में हमने स्मूथ स्ट्रेन को रखा, उसे टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया गया, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया गया 20 मिनट्स तक, तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। और ये स्मूथ किल्ड हीट किल्ड को जब हमने इंजेक्ट किया चूहे में, तो चूहे को निमोनिया नहीं होता है, वो हंसते खेलते निकल जाता है। तो स्टेप नंबर वन में चूहा मर गया था निमोनिया से, स्टेप नंबर टू में चूहे को कुछ नहीं हुआ, स्टेप नंबर थ्री में चूहे को कुछ नहीं हुआ। तो अगले स्टेप में ग्रिफिथ ने क्या किया, मिक्सचर लिया। आप देख सकते हैं ये आपका स्मूथ वैरायटी है कैप्सूल वाला, ठीक है, उसे हीट किल्ड किया गया, तो ये हीट किल्ड स्मूथ वैरायटी ली गई और उसमें ये नॉन कैप्सुलेटेड रफ स्ट्रेन का मिक्सचर बनाया गया और चूहे को इंजेक्ट किया गया। देखो हमने जब अकेला हीट किल्ड का इंजेक्शन दिया था तो चूहे को कुछ नहीं हुआ था, हम लोगों ने जब रफ का इंजेक्शन दिया था तो भी चूहे को कुछ नहीं हुआ था। तो मानना ये था ग्रिफिथ का, जब हम इन दोनों का मिक्सचर का इंजेक्शन देंगे तो भी चूहा सर्वाइव होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन चूहे की डेथ हो गई निमोनिया से। और जब इन्होंने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए, एनालिसिस किया लैब में, तो गेस व्हाट, वो ब्लड में हमें एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, कैप्सुलेटेड वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिया देखने को मिला। अब ग्रिफिथ परेशान, ऐसे कैसे हो गया? तो ग्रिफिथ ने कहा वो मिक्सचर में, वो हीट किल्ड स्मूथ वैरायटी में से वो लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप ने, रफ स्ट्रेन ने कुछ तो भी पिकअप किया है, जिस वजह से वो कन्वर्ट हुआ, वो ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू एस टाइप, और एस टाइप ने अपना पैथोजेनिसिटी दिखाई। लेकिन ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि 1928 में ये आर ने क्या पिकअप किया, वो नॉन कैप्सुलेटेड रफ स्ट्रेन ने क्या पिकअप किया, बट कुछ तो भी पिकअप किया है फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। वो समथिंग को इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और
और उनका ये फर्म बिलीफ था ये म्यूटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि उनको ये पता था कि म्यूटेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये म्यूटेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और 1928 में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने पब्लिश किया। अब बड़े दिनों तक काफी गजब की रिसर्च हुई कि बॉस ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। अब ईयर आया 1944, यूएस, आपकी रॉकफेलर यूनिवर्सिटी, वहां के तीन साइंटिस्ट एवरी, मैक्लियोइड और मैककार्टी, इन्होंने कुछ ब्रेक थ्रू अचीव किया। यह फोटो मुझे काफी पसंद है, स्टेज पे आपके प्रोफेसर मैककार्टी कुछ अवार्ड दे रहे हैं दो साइंटिस्ट लोगों को। अब आपको अंदाजा आएगा जो अवार्ड दे रहा है वो बड़ा व्यक्ति रहेगा और जो नीचे रहेंगे वो रिलेटिवली थोड़े कम रहेंगे। ये नीचे जो दो लोग खड़े हैं ये हैं तुम्हारे वॉटसन एंड क्रिक नोबल प्राइज, और ये हैं आपके मैककार्टी। तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितने बड़े लोगों में आते होंगे। तो ये एवरी, मैक्लोइड, मैककार्टी ने क्या किया, इन्होंने ग्रिफिथ के चौथे स्टेप को रिपीट किया। क्या था ग्रिफिथ का चौथा स्टेप? उन्होंने मिक्सचर लिया था हीट किल्ड स्मूथ वैरायटी एंड लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड अवायरुलेंट रफ वैरायटी, और वो मिक्सचर को उन्होंने इंजेक्ट किया था चूहे में, चूहे की डेथ हो गई थी। और उन्हें ये नहीं पता चला था कि ये डेथ, तो ये एवरी, मैक्लोइड, मैककार्टी ने चौथे स्टेप को रिपीट किया और उन्होंने वो मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड स्मूथ वैरायटी एंड लिविंग रफ स्ट्रेन में से अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट किया। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, उसमें लिपिड्स थे, उसमें प्रोटीन्स थे, उसमें आरएनए था, उसमें डीएनए था, ये सब इन्होंने सेपरेट किया फ्रॉम द हीट किल्ड एच टाइप। और इनका थॉट ये था कि अब हम एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब पे करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन लिया गया, द रफ स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिया, और आपके हीट किल्ड एच टाइप में है जो कार्बोहाइड्रेट्स निकले थे, पहले कार्बोहाइड्रेट डाला, देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं, नहीं हुआ। फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिसमें पहले से रफ स्ट्रेन थी डिप्लोकोकस की, उसमें ये हीट किल्ड एच टाइप में से लिपिड्स निकाला, फैटी एसिड्स, वो डाल के देखा, अभी भी चेंज नहीं हुआ, तो लिपिड भी कैंसिल। तीसरा टेस्ट ट्यूब लिया गया और वो टेस्ट ट्यूब में हमने आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन में वो हीट किल्ड एच टाइप में से प्रोटीन्स निकाला, वो डाला, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो प्रोटीन ऑल्सो रूल्ड आउट, वैसे आरएनए भी रूल्ड आउट हो गया। और जैसे इन्होंने अगला टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें आर टाइप था, रफ स्ट्रेन था, और हीट किल्ड एच टाइप में से जब इन्होंने डीएनए निकाला और टेस्ट ट्यूब में डाला, यूरेका मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और इन्होंने कहा कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो एवरी, मैक्लोइड, मैककार्टी ने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो बच्चों आपको दिख रहा है ये चिल्ड इथाइल अल्कोहल है, और नीचे ये जो आपको दिख रहा है कुछ, ये आपका डीएनए है, प्योर डीएनए। अब केमिस्ट्री में हम कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, सीटी। तो टेस्ट ट्यूब लिया गया, टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन रखा गया, हीट किल्ड में से एस टाइप लिया गया, एस टाइप का डीएनए लिया गया, और इस बार हमने यूज किया डीएनए। आपको समझेगा ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस है जो डीएनए को ब्रेकडाउन करता है, और जैसे हमने डीएनए डाला, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इससे प्रूव होता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब सारे साइंटिस्ट वर नॉट वेरी कन्विंस्ड, नहीं रहे, मजा नहीं आया, और एविडेंस चाहिए।
अब दो लोग और आए, हर्षी एंड मार्था चेस। इन्होंने काम किया आपके बैक्टेरियोफेजेस के साथ। आपको अंदाजा आएगा ये वायरसेस हैं, ये वायरसेस हैं, और जो वायरसेस प्लांट्स में इंफेक्शन करती हैं वो आपके प्लांट वायरस, जो एनिमल्स में करती हैं वो एनिमल वायरसेस, और वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे इंफेक्शन कॉज करती हैं वो आपकी बैक्टेरियोफेजेस। तो ये है हेड, ये है नेक, ये है मिडल पीस, ये है टेल, ये है बेस प्लेट। और बायोकेमिकली अगर हम लोग देखते हैं, ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है ये प्रोटीन का कोट है, ठीक है, और अंदर जो ब्लूइश है ये है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने क्या किया, हर्षी और चेज ने क्या किया, लेबोरेटरी में इन्होंने बैक्टेरियोफेजेस की कॉलोनीज बनाई। इनको इतना पता था कि बैक्टेरियोफेज के पास में जो प्रोटीन का एनवलप है और प्रोटीन एनवलप के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो वो मानते थे कि डीएनए है, क्योंकि एवरी मैक्लुहन मैकार्टी ने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया था। ध्यान दीजिएगा ये 1940s में काम हो रहा है, हमें वॉटसन क्रिक का मॉडल अभी तक आउट नहीं हुआ था, और बेसिक बायोकेमिस्ट्री इनको पता थी कि डीएनए के पास में पी रहेगा एस नहीं, और प्रोटीन के पास में एस रहेगा पी नहीं। एक बार वापस आइए, क्रिटिकल है। डीएनए के पास में फास्फोरस रहेगा फास्फेट के रूप में लेकिन सल्फर नहीं रहेगा, और प्रोटीन के पास में सल्फर रहेगा लेकिन फास्फोरस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये आपके एनसीईआरटी का इमेज, लैब में इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए, एक P32 लिया और एक S35 लिया, और बैक्टीरियोफेजेस को कई 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 जनरेशंस तक वो पेट्री डिश में S35 और P32 के साथ में ग्रो करने दिया। तो आफ्टर सेवरल जनरेशंस हमारे पास में पहला बैक्टीरियोफेज है यहां पे जिसके पास में P32 है, और ये वाले बैक्टीरियोफेज के पास में S35 है। हमने ये बैक्टीरियोफेजेस को अलाउ किया कि जाइए ई कोलाई में जाके इंफेक्शन कीजिए, तो ये बैक्टीरियोफेजेस लैंड हुए ऑन द सरफेस, प्रॉपर बाइंडिंग साइट्स देखी, वहां पे उन्होंने अपने टेल को अटैच किया, बेस प्लेट को अटैच किया, उनकी मिडल बॉडी ने थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो नीचे इंजेक्ट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल अंदर आ चुका है, और ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आने के बाद हम लोगों को पता ये लगाना था कि अंदर सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी किसकी आ रही है, S35 की आ रही है कि P32 की आ रही है। एंड जैसे हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि रेडियो एक्टिविटी जो है P32 वाले आपके इकोलाई में देखने को मिल रही है। अब ये एनालिसिस कैसे की गई, सच अ सिंपल कंसेप्ट, डीएनए के पास में पी है एस नहीं, तो सेल के अंदर P32 की रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, इसका मतलब ये जो मटेरियल अंदर इंजेक्ट किया गया था ये है तुम्हारा डीएनए। और ये केस में अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, इस वजह से हम कहेंगे ये है आपका नॉन जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक्सपेरिमेंट्स ने हमें प्रूव किया कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 वाला जो बैक्टीरिया था उसमें सेल के अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, और जो S35 वाला बैक्टीरिया था प्रोटीन के पास में एस रहेगा पी नहीं, अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। तो इससे प्रूव होता है कि डीएनए आपके बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, वो जेनेटिक मटेरियल है, न कि तुम्हारे प्रोटीन्स। तो इससे प्रूव हो गया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अगर आपको ये कैप्सूल कोर्स पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बायो सप्लीमेंट्स की तरफ से मैं अभिषेक अग्निहोत्री आपको थैंक यू कहते हैं, और आइएगा वापस से कोई नए कंसेप्ट के साथ में डिटेल्ड टॉक करेंगे। थैंक यू।